लड़ते हर बार बहुत अच्छा है। 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, अब तीसरी बार हैट्रिक के लिए उतरे हुए। ये पूरा चुनाव जो है कौशल किशोर जी के पास दिख रहा है, लेकिन काफी संकट। नमस्कार, मैं आपके साथ विवेक राय, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अलग अलग सीटों के एग्जिट पोल को लेकर के अलग अलग वीडियोस हम कर रहे हैं अलग अलग पत्रकारों के साथ। और इस वीडियो में जिस सीट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सीट है मोहन लालगंज वो सीट जहां से बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरके चौधरी को यहां से प्रत्याशी बनाया है, बहुजन समाज पार्टी ने राजेश कुमार को यहां से प्रत्याशी बनाया है। इन तमाम लोगों का वहां क्या इम्पैक्ट है, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र दुबे सर हमारे साथ हैं, अनुपम सर हमारे साथ हैं और ज्ञानेन्द्र सर हैं। सुरेंद्र सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं, मोहन लालगंज सीट, क्या समीकरण आप बनते बिगड़ते वहाँ देख रहे हैं इस बार? देखिए, मोहनलालगंज में कौशल किशोर से नाराज़गी बहुत है लोगों की, और एंटी इनकम्बेंसी उसके उनके पास चिपक गई है, और लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया। और जैसे कहते हैं ना कि दांव बाद नेता कह दिया, कुछ नहीं किया, ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे पास हैं जो इतना समय नहीं कि पूरा बताएं। तो लगता उनकी जो उनके प्रति नाराज़गी है मतदाताओं की, वो उनको भारी पड़ सकती है मतदाताओं की नाराजगी। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो आर के चौधरी हैं, बड़े पुराने नेता हैं और बीएसपी को मतलब मुझे लगता है कांसीराम के जमाने के नेता हैं, लड़ते हर बार बहुत अच्छा हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं लड़ते हर बार। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि कौशल किशोर की लॉटरी फिर निकल जाए, लेकिन काफ़ी संकट में हैं। आप सर क्या माहौल देख रहे हैं मोहनलालगंज? देखिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, 1962 से ये सीट अस्तित्व में आई है। शुरुआत के दिनों में अगर हम देखें तो पहले तीन बार के चुनाव में कांग्रेस का पड़ना यहाँ पे भारी था, उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका जो वर्चस्व है कम हुआ, उनका प्रभाव वहाँ के जनता के बीच में कम हुआ, और फिर समाजवादी पार्टी के यहाँ पर अपना वर्चस्व बनाने लग गई। अगर पीछे के दो सीटों पे देखें तो 2014 और 2019 में कौशल जी ने निश्चित तौर पे, चाहे वो मोदी कारण रहा हो, राम मंदिर मुद्दा रहा, इन कारणों से उनको विजय जरूर हासिल मिली। लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। जैसा हम लोगों ने ज़मीनी ग्राउंड पे जो आकलन किया, उसमें सिधौली में उनको बहुत अच्छा उनके समर्थन में नहीं दिखे हैं लोग, क्योंकि पांच विधानसभा सीटों को मिलाकर ये बनाई गई है और पांचों पे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे विधायक हैं। निश्चित तौर पे इसका लाभ उनको मिलेगा, लेकिन जो नाराज़गी है वो नाराज़गी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, खास तौर से मलिहाबाद बेल्ट में। वहाँ पे ठाकुर और ब्राह्मण जो है वहाँ पे नाराज़ हैं, इसका असर भी वहाँ, क्योंकि उनकी जो पत्नी है राजदेई जी वो वहाँ से विधायक हैं, उसकी नाराज़गी भी इनके पाले में जा रही है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए ये यहाँ पर कांटे की नाराज़गी दिख रही है। आप सर क्या माहौल देख रहे हैं मोहनलालगंज में? देखिए, बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि अनुपम जी ने कहा कि यहाँ पर जो पाँच विधानसभा सीटें 2022 में मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सरोजनी नगर, बख्शी का तालाब और सीतापुर की सिधौली, ये जो सीटें हैं यहाँ पर, ये निश्चित तौर से बीजेपी के पास गई थी, तो ये एक बढ़त जरूर है बीजेपी के लिए। कौशल किशोर को लेकर हो सकती है नाराज़गी का भाव रहा हो, लेकिन कौशल किशोर के लिए भी वो 90 के दशक से सक्रिय रहे हैं राजनीति में। 2002 में भी वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते थे मलिहाबाद सुरक्षित सीट से। मुलायम सिंह की सरकार में श्रम राज्य मंत्री भी बनाए गए थे कुछ समय के लिए, बाद में हटा दिए गए थे, थोड़े से बागी नेचर के रहे, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर अपनी सियासत करते रहे थे। लेकिन अब कौशल किशोर दो जो टर्म्स थे जब से बीजेपी के साथ आए और मोदी के बड़े गुडबुक में हैं, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, अब तीसरी बार हैट्रिक के लिए उतरे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो जाहिर सी बात है जब मंत्री हो जाता है सांसद तो उससे उम्मीदें भी ज़्यादा हो जाती हैं, और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो नाराज़गी का भी भाव होता है। उम्मीदें ने जो बात कही थी मैं उसको भी जोड़ूंगा यहाँ पर, नाराज़गी का भाव तो है लेकिन उनके मुकाबले में कौन खड़ा हुआ है? बीएसपी का जो प्रत्याशी है तो राजेश कुमार, जो उससे उनसे कोई बहुत कोई ऐसे वाकिफ नहीं है, कोई ऐसे कोई चेहरा नहीं है। आरके चौधरी जरूर दिग्गज नेता हैं, बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के समय से शुरू से जुड़े रहे थे और दलित राजनीति में उनकी बड़ी दखल रही थी, मायावती से रिश्ते तल्क हुए थे तो फिर उन्होंने बीएसपी से अलगाव हो गया था 2019 में। वो सैद्धांतिक नेता रहे, व्यवहारिक नेता नहीं रहे, इसलिए वोट के मामले में थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। सैद्धांतिक बिल्कुल वही आर के चौधरी, चूंकि अब ऐसे नेता हैं जो बड़े खांटी अगर कहा जाए तो वो बसपाई थे, कैडर के नेता रहे थे, लेकिन वो राजनीतिक तौर से बहुत सक्रिय नहीं हो पाए, राजनीतिक तौर से बहुत सफल नहीं हो पाए। तो ऐसे में जो चूंकि लखनऊ शहर में राजनाथ सिंह जैसी दिग्गज हस्ती, वो यहाँ शहरी सीटें भी दो शहरी, तो बिल्कुल ये सरोजनी नगर है और इसके साथ ही बीकेटी भी है, तो मलिहाबाद और मोहनलालगंज में भी, तो जो उनके अपने जो सजातीय वोटर्स हैं कौशल किशोर के, उस मामले में
वो नाराजगी के बावजूद भी मुझे लगता है कि वो एक सपोर्ट मिलेगा। और चूंकि लखनऊ के भीतर की ये सीट है, लखनऊ से जुड़ी हुई क्योंकि दो सीटें हैं, तो उसका भी असर रहता है। लखनऊ तो गढ़ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, और राजनाथ सिंह जैसा दिग्गज चेहरा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जिसको लेकर कोई चर्चा इस पर नहीं होती है कि वो चुनाव हार जीत के नहीं होती है, मार्जिन को लेकर चर्चा होती है। तो ऐसे में उसका असर तो वहाँ भी पड़ेगा। और चूँकि जब कोई रेस में जब कोई दौड़ रहा होता है और वो कोई बहुत अच्छा ना दौड़ पा रहा होता है, लेकिन उसका जो प्रतिद्वंदी है अगर वो भी कमज़ोर होता है, तो जो कमज़ोर जो दौड़ रहा होता है उसके जीत के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कौशल किशोर बहुत ही अच्छा भले ना कर रहे हो, लेकिन आर के चौधरी और बीएसपी के प्रत्याशी को देखते हुए कौशल किशोर की मैं बढ़त देख रहा हूँ। सर, इशूज़ की बात की जाए, मोहनलालगंज मतलब लखनऊ से एकदम जुड़ा हुआ शहर, उसी का एक हिस्सा है, क्या देख रहे हैं मोहनलालगंज इश्यूज़ हैं कुछ? देखिए, प्रदेश की राजधानी के नज़दीक का सीट होने के नाते कि जनता का जुड़ाव भी यहाँ होता है और नेता का जुड़ाव भी यहाँ की सीट से रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो दलित हैं, यादव हैं और कुर्मी, इनकी बहुलता ज़्यादा है और यही निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं इस पूरे चुनाव में। सबसे बड़ी बात है, कौशल जी नो डाउट एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आर के चौधरी जी की भी पकड़ भी अपने जो कोर वोटर्स हैं उनके बीच में रही है। लेकिन जो जनता है, जनता ने इस बार इस एक चीज़ और देखी है कि जो केंद्रीय मंत्री होने के नाते जो अपेक्षाएं थी उसके विपरीत उनका सारा जो सिनेरियो हो नशा मुक्ति अभियान पे ही ज़्यादा फोकस रहा। फिर उसके बाद परिवार की बात भी होती है, परिवार के कुछ ऐसे एक दो कारनामे होते हैं जो उनको आपको डेंट करने का काम करते हैं। जैसे अभी बीच में एक हत्याकांड हुआ था, उसमें भी उनके बेटे की पिस्टल वाला मामला आया था, तो उसने भी एक प्रभाव डाला था। भले वो ठीक है, माइनस प्लस हल्का ही रहे, लेकिन एक वो चीज़ें भी दिखती हैं, क्योंकि जमीन का जुड़ाव और जमीन को कब्जाने को लेकर जो मुद्दे उठते हैं सारे नेता को जरूर वो डेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ टक्कर है। लेकिन पक्ष अगर बात करें तो सीट नज़दीक होने के नाते राजनाथ जी चूँकि यहाँ से लोकल सीट से एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, इस लिहाज से ये पूरा चुनाव जो है कौशल किशोर जी के पास दिख रहा है। एक क्या इश्यूज़, जैसे इन्होंने कहा कि जमीन कब जाने है, तमाम ऐसे ऐसे चीज़ों की बात की, वो तमाम इश्यूज़ असर कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब असर नहीं कर, छोटे मोटे बातें हैं। देखिए, मोहनलालगंज लखनऊ के आभा मंडल में चुनाव लड़ रहा है, तो जब कोई कॉन्स्टिट्यूंसी आभा मंडल में चुनाव लड़ती है तो वहाँ इश्यूज़ बहुत पीछे हो जाते हैं, और वो कोई वो इशू कुछ चौधरी जरूर बनाने कोशिश कर रहे होंगे कि हमारा संविधान खतरे में, ये है वो है। लेकिन चूंकि वही बताया, पर्सनालिटी कल्ट इतना बड़ा है राजनाथ सिंह का, तो उन्हीं के आभा मंडल वहाँ का चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं ऐसा तो नहीं मानता कि कोई बिल्कुल केक वाक है चौधरी के लिए, लेकिन फिर भी कौन जीत रहा है, पलड़ा भारी है, जीतने की बात मत कर। कौशल किशोर, हाँ, पलड़ा भारी, कौन जीत रहा है? सर की बात का थोड़ा समर्थन करूंगा कि आभा मंडल है तो राजनाथ जी के आभा मंडल में चुनाव कौशल जी लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है, यहाँ 50-50% का मामला है। यहाँ किसी को नहीं अभी जिता नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टफ है मामला दोनों के लिए। और एक दो वीडियोज ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें साफ देखने को मिला है कि सिकन चेहरे पर दोनों प्रत्याशियों के हैं, दोनों ही प्रयासरत हैं। अब किसको जनता वोट करती है 4 तारीख को डिसाइड होगा। कौन जीत रहा है सर? बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर कौशल किशोर के लिए निश्चित तौर से एज दिखाई दे रही है, तमाम वजहों से, वो फैक्टर्स भी बताए, राजनाथ सिंह का, लखनऊ में से जुड़ी हुई सीट होने का, और जमीन की बात, मुद्दों की बात आप जब कर रहे थे, तो जमीन की, राजनीतिक जमीन की और उनकी सबकी बात होती है। मोहनलालगंज में तो जमीन का ही मुद्दा है, वो लखनऊ का डेवलप हो रहा क्षेत्र है, वहाँ पर तो सारा कुछ मुद्दा बाकी, या वहाँ पर गरीबी, बेहाली, भुखमरी, बेरोजगारी की बात ही नहीं होती, वहाँ तो जमीन है, वो चूँकि लखनऊ से जुड़ी, लखनऊ में पूरी जमीन यहाँ पर बिक चुकी हैं, तो अब मोहनलालगंज की तरफ ही सबकी निगाहें हैं, सारे बिल्डर्स की और ज़मीन खरीदने वालों की, तो वहाँ जमीन खरीदते खरीदते वहाँ पर निश्चित तौर से अब किसकी राजनीतिक जमीन मजबूत होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव में मैं कौशल किशोर का पलटा भारी देख रहा हूँ। बिल्कुल, तो देखिए मोहनलालगंज जो सीट है वहाँ दो पत्रकारों ने कहा है कि कौशल किशोर जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका पलटा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं एक लोग ने कहा कि 50-50 की लड़ाई है, यानी कि कोई भी जीत सकता है, पर फिलहाल जो बहुमत है वो कौशल किशोर के साथ जाता हुआ यहाँ दिख रहा है। विवेक राय, ABP लाइव के लिए।